अप्रैल के अंत तक इंडियन एयरफोर्स रफाल की दूसरी स्क्वाड्रन को भी ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। 2022 के अगस्त तक इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को शामिल करना शुरू किया जाने वाला है। भारत की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी अभी HAL की कैट्स वॉरियर सिस्टम की तरह एक अनमैन्ड विंगमैन UAV को डेवलप कर रही है, जो कि HAL की कैट्स वॉरियर सिस्टम को कड़ी टक्कर देने वाला है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी अपनी एंटी स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम को सफलता के साथ टेस्ट किया जा चुका है, जिसको डायरेक्ट एनर्जी वेपन और माइक्रोवेव बेस्ड वेपन्स को मिक्स करके डेवलप किया गया है। और अंत में इंडियन आर्मी की तरफ से अभी कल्याणी M4 के बदले इतनी बड़ी मात्रा में महिंद्रा की आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल को क्यों खरीदने का फैसला किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रफाल की दूसरी स्क्वाड्रन को लेकर है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एक अपडेट आया था, जिसमें ये बताया गया था कि अम्बाला एयरबेस से रफाल के ग्रुप कैप्टन रैंक के ऑफिसर को ईस्टर्न एयर कमांड में ट्रांसफर कर दिया गया था। अभी उन पायलट में से थे जिनको सबसे पहले रफाल में ट्रेनिंग दी गई थी, और पहले जो रफाल भारत लाए गए थे उनको ये फ्रांस से लेके भारत आया था, और उस दौरान इसमें दो ग्रुप कैप्टन रैंक के ऑफिसर मौजूद थे जिनको अभी तक अम्बाला एयरबेस में तैनात किया गया था। लेकिन अभी उनमें से एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ईस्टर्न एयर कमांड में शिफ्ट किया गया है। अभी किस वजह से किया गया था इसको लेके काफी सवाल किए जा रहे थे, लेकिन मैंने आपको उस दौरान बताया था कि हो सकता है अभी इनको इस वजह से ईस्टर्न कमांड में शिफ्ट किया गया है, ताकि वो ईस्टर्न एयर कमांड में जाके हसीमार एयरवेस को सेटअप करना शुरू करें, जहां पर रफाल की दूसरी स्क्वाड्रन को तैनात किया जाएगा। और अभी ये बात लगभग कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि अभी हिंदुस्तान टाइम्स में इसको लेकर एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये बताया गया है कि हसीमार एयरवेस में अभी अप्रैल की एंड तक रफाल की दूसरी स्क्वाड्रन को शुरू किया जाएगा। और एक नई स्क्वाड्रन को यहाँ पे शुरू करने का मतलब ये भी हो सकता है कि वहां पर एक सीनियर रैंक के ऑफिसर होना काफी जरूरी है, और अभी हमारे पास बस दो ही सीनियर रैंक के ऑफिसर मौजूद है जिनको रफाल को उड़ाने का अनुभव है। पहले ऐसा लगा था कि चाइना के साथ चल रही टेंशन की वजह से भारत पैरेलल वे में दो रफाल स्क्वाड्रन को तैयार करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे कि अभी रफाल की पहली स्क्वाड्रन में 11 एयरक्राफ्ट हो चुके हैं, तो अभी से ही रफाल की दूसरी स्क्वाड्रन को इंडक्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी बताया गया कि इनिशियल प्लान के मुताबिक इन दोनों स्क्वाड्रन को तैयार किया जाएगा, यानी कि रफाल की पहली स्क्वाड्रन कम्प्लीट होने के बाद ही दूसरी स्क्वाड्रन को तैयार किया जाएगा। अभी बात थोड़ी सी अजीब लग रहा था, क्योंकि अभी हमारे पास 11 रफाल मौजूद है, तो अप्रैल की एंड तक भला किस तरीके से एक स्क्वाड्रन को कम्प्लीट किया जाएगा, क्योंकि एक ही बार में मैक्सिमम 3 से 5 रफाल को भारत को डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन अभी ये बताया गया कि अप्रैल के एंड तक फ्रांस की तरफ से भारत को 10 रफाल को डिलीवर किया जाएगा, जिस वजह से रफाल की पहली स्क्वाड्रन को कंप्लीट करने के बाद हम दूसरी स्क्वाड्रन को तैयार कर सकते हैं। अगला अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके। आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन मिलिट्री में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की कितनी शॉर्टेज है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स में हो, इंडियन आर्मी में हो या फिर इंडियन नेवी में हो। अभी हम मेनली इसके लिए चेतक या चीता जैसे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी ओवर टाइम में ड्यूटी कर रहे हैं। इनको अभी रिप्लेस करने के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से अलग अलग टेंडर को भी फ्लोट किया गया, लेकिन इसी बीच HAL की तरफ से भी अपनी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को डेवलप किया गया था, जिसे कुछ ही महीने पहले दौलत भाई गोल्डी से टेस्ट किया गया था। और ये इतनी ऊंचाई में और सर्द वाले सिचुएशन में सही से ऑपरेट करने के बाद इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की परफॉर्मेंस से काफी खुश हुए थे, और अभी इनको हमारे फोर्स में शामिल करने का फैसला किया गया। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसकी 12 यूनिट को खरीदने के लिए भी क्लियरेंस दे दिया गया। ये अभी इनका LSP यूनिट होने वाला है, जिनको तुरंत ही डिलीवर कर दिया जाएगा, और इनमें से 6 एयरफोर्स और 6 आर्मी इस्तेमाल करने वाली। HAL पहले से इनको मैन्युफैक्चर करने की पूरी तैयारी कर रही थी, जिस वजह से अगर इनको आगे चल के खरीदा गया तो HAL इनको जल्दी से डिलीवर कर सकता है। अभी HAL की तरफ से बताया गया कि वो अगले साल की अगस्त तक ही इनको इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना शुरू कर सकते हैं। और अभी HAL की तुमकुरु वाली हेलीकॉप्टर यूनिट भी प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जहां पर इनको आगे चल के मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का एक इनिशियल ऑर्डर होने वाला है, जबकि बाद में इसकी लगभग 185 यूनिट्स को खरीदने का प्लान किया गया। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे भारत लद्दाख से ऑपरेट कर सकता है, सिचिन में ऑपरेट कर सकता है और राजस्थान के साइड में भी ऑपरेट कर सकता है, यानी कि इंडिया और चाइना की बॉर्डर में और इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर में हम इनको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि हमारी मेन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। साथ ही अभी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंदर भी इसको थोड़ा सा बूस्ट दिया जा रहा है, और इसके अलावा अभी भारत रशियन कामोव के 2260 हेलीकॉप्टर को भी खरीदने वाला है, और इसके लिए अभी रशिया के साथ बातचीत किया जा रहा है, जो कि काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है।
अगला अपडेट अनमैन विंगमैन कॉन्सेप्ट को लेके। अब लॉयल विंगमैन या अनमैन विंगमैन कॉन्सेप्ट का नाम लेते हैं, आप सभी या तो बोइंग की लॉयल विंगमैन के बारे में सोच रहे होंगे या फिर एचएएल की कैट्स वॉरियर सिस्टम के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में ही बोइंग की लॉयल विंगमैन का टेस्ट फ्लाइट कम्प्लीट किया गया था और एयरो इंडिया शो के दौरान एचएएल ने अपनी कैट्स वॉरियर सिस्टम को डिस्प्ले किया था, जो कि एक एआई बेस्ड टेलड्रोन या यूएवी होने वाला है। लेकिन अभी हमारे एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से बिल्कुल इस तरीके की एक सिस्टम को डेवलप करने की बात सामने आई है। ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी और इसका नाम काइनेटिक्स इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है और अभी ये यूके की कंपनी मार्कस एविशन के साथ मिलकर दो अनमैन प्लेटफॉर्म को बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें से एक का नाम एकलव्य रखा गया है, जो कि एक लॉयल विंगमैन होने वाला ये एक स्टेल डिजाइन है और इसको मल्टीपल मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा वो अभी एक मेल यूएवी को भी डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम माया रखा गया है। काइनेटिक्स इंजीनियरिंग का कहना है कि वो अभी एआई और कुछ हद तक ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एक साथ ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे चल के रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके। अब माया की बात करें तो ये एक मेल ड्रोन होने वाला है, तो उस हिसाब से इसे मल्टीपल यूज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे नॉर्मल यूएवी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एकलव्य नाम की जो अनमैन्ड यूएवी को डेवलप किया गया है, ये गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि ये शायद अब तक का पहला अनमैन विंगमैन होने वाला है जो कि मिड एयर में भी रिफिल किया जा सकता है। वैसे इसको भी हर तरह के मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो नॉर्मल पेट्रोल मिशन हो, एयर कॉम्बैट मिशन हो या स्ट्राइक मिशन हो, या फिर इसको किसी भी स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट को एक्सकॉर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको आगे चल के स्वार्म ड्रोन की तरह भी ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अगर यहाँ पे काइनेटिक्स की तरफ से जो डाटा दिया जा रहा है वो आगे चल के इसको बना पाते हैं, तो ये भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर कंपनी होने वाला है जो कि इस तरीके की सिस्टम को सबसे पहले मैन्युफैक्चर करने वाली है। अगला अपडेट स्वार्म ड्रोन्स को लेके। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी स्वार्म ड्रोन एक गेम चेंजिंग वेपन बन चुके हैं और फ्यूचर वॉरफेयर में किसी भी जंग का रूप बदल सकते हैं, जिस वजह से इसे हर कोई हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे दुश्मन के पास मौजूद है तो हमारे लिए काफी खतरा बन सकते हैं। अब जैसे कि स्वार्म ड्रोन झुंड बना के आते हैं तो इनको एक ही बार में काउंटर कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम से इनको रोक पाना बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इनको एक एक करके टारगेट करके मार के गिराने की कोशिश करेगा, जबकि इनकी एक झुंड में 50 से 100 के आसपास ड्रोन हो सकते हैं, तो कभी भी हम 100% इनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से यूएस की तरफ से अभी एक माइक्रोवेव बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया गया था और कुछ दिन पहले इसको लेकर एक रिपोर्ट भी यूएस जर्नल में पब्लिश किया गया था कि ये सिस्टम एक ही बार में पूरा का पूरा स्वार्म ड्रोन की झुंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये बेसिकली दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जैम कर देता है या फिर खराब कर देता है, जिस वजह से दुश्मन की कंट्रोल स्टेशन के साथ ड्रोन का कनेक्शन टूट जाता है और उसके बाद ये बेकाबू होकर गिर जाता है। अभी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि उन्होंने अभी माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम से स्वार्म ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने की टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है और अभी इसकी टेस्टिंग को भी किया जा चुका है। इसके अलावा यूएस की तरफ से अभी लेजर वेपन को भी डेवलप किया जा रहा है जिसे इनकमिंग रॉकेट या स्मॉल ड्रोन्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि लेजर वेपन से माइक्रो वेपन स्वार्म ड्रोन के लिए ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अभी लगभग 2 साल के बाद इंडस वाटर कमीशन की मीटिंग दोबारा रिज्यूम किया जाएगा। इस तरीके की लास्ट मीटिंग को 2018 की अगस्त में किया गया था और 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इतने बढ़ गए थे कि बातचीत को शुरू करने का कोई भी माध्यम नहीं बचा था, जिस वजह से इंडस वॉर्डर कमीशन को लेके फर्दर कोई भी डिस्कशन नहीं हो पाई थी। जैसे कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान का जो मेन वाटर लाइन्स होते हैं वो भारत से होते हुए जाते हैं और अगर इनका पानी भारत बंद कर देता है तो इससे पाकिस्तान की वाटर लाइन काफी बुरी तरीके से अफेक्टेड होने वाला है और पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को इससे काफी नुकसान होने वाला है। इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था ताकि हिमालय से निकलने वाली नदियों को मिल बांट के इस्तेमाल कर सके। और भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू से ही कितना भी तनाव रहा है, कभी भी भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई है। अब एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर कमीशन की मीटिंग को अरेंज किया गया था जो कि आज और कल होने वाली है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान की एक 8 मेंबर वाली टीम अभी भारत पहुंच चुकी है और उम्मीद किया जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान की तरफ से भारत की 2 मेजर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को लेकर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, जिसमें से एक पकलदुल प्रोजेक्ट हो सकता है।
और एक लोअर कलनाई प्रोजेक्ट हो सकता है। तो भारत की तरफ से अब इन दोनों प्रोजेक्ट की डिटेल को भी तैयार करके रखा गया है, और अगर पाकिस्तान की टीम की तरफ से इसमें कुछ ऑब्जेक्शन किया जाता है तो भारत की तरफ से उनको फुली डिटेल सबमिट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही वो भारत की उन डैम साइट को भी पर्सनली विजिट करके अपना खुद का रिपोर्ट बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसके लिए अभी कोई प्रोविजन रखा नहीं गया है। पिछली बार भी पाकिस्तान की तरफ से भारत के कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन किए गए थे, जिसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान की टीम को उन जगहों की विजिट पर आने के लिए निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उस दौरान वो भारत आए थे या फिर चाइनीज रायते की वजह से उसको पोस्टपोन किया गया था, इसको लेकर मुझे थोड़ा डाउट है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में ही भारत की तरफ से दो मॉडर्न आर्मर्ड व्हीकल को इंडियन आर्मी में शामिल करने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। इसमें से एक कल्याणी की M4 व्हीकल और एक महिंद्रा की आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है। ये दोनों ही आर्मर्ड यूनिट्स होने की वजह से कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि इंडियन आर्मी इन दोनों व्हीकल को क्यों खरीद रही, और इंडियन आर्मी अभी कल्याणी M4 को कम मात्रा में क्यों खरीद रही है जबकि महिंद्रा की आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल को बल्क में ऑर्डर किया जा रहा है। तो बात इतनी सी है कि इनको ऑपरेट करने का इंडियन आर्मी का जो तरीका है वो थोड़ा बहुत अलग होने वाला, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है, और इनको अगर साइड बाय साइड रख के हम कंपेयर करेंगे तब जाके आपको इसके बीच बेसिक डिफरेंस का पता लगने वाला है। लेकिन अभी अगर हम ओवरऑल कल्याणी M4 की बात करें तो इसे अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से भारत में ही बनाया जाने वाला है, और ये दुनिया का सबसे सेफ व्हीकल में गिना जाता है। इंडियन आर्मी अभी इनको लिमिटेड नंबर में ही खरीदने वाली है, और इस डील के अंदर कितने व्हीकल खरीदे गए थे ये क्लियरली बताया नहीं गया था, लेकिन इस डील की कीमत लगभग 178 करोड़ के आसपास की थी, तो आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर 35 से 40 के बीच व्हीकल खरीदे गए हैं। जबकि महिंद्रा की आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल की बात करें तो इसके लगभग 1300 यूनिट को खरीदने के लिए भी ऑर्डर को प्लेस किया गया है, और इसकी टोटल कीमत लगभग 1056 करोड़ होने वाली। तो यहाँ पर आपको दोनों की प्राइस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। ऑपरेशन की बात करें या फिर सेफ्टी की बात करें तो महिंद्रा की आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल के मुकाबले कल्याणी की M4 व्हीकल काफी बड़ा व्हीकल है और काफी पावरफुल व्हीकल है, और ये महिंद्रा की आर्मर्ड व्हीकल के मुकाबले काफी ज्यादा सेफ भी है। इसे अभी इंडियन आर्मी की तरफ से हर अल्टीट्यूड में ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए खरीदा जा रहा है, जबकि महिंद्रा की आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल को कॉम्बैट रोल के लिए खरीदा जा रहा है, जिसे कश्मीर रीजन में ऑपरेट किया जा सकता है, लद्दाख में भी ऑपरेट किया जा सकता है, या फिर किसी भी तरह के बॉर्डर रीजन में नॉर्मल पेट्रोलिंग वगैरह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पर ऐसा नहीं है कि महिंद्रा की आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल में मशीन गन को लगाया जा सकता है या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फिट किया जा सकता है, तो कल्याण M4 में इन सबको लगाया नहीं जा सकता है। इसमें भी इन सभी को फिट किया जा सकता है, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से अभी इसको मेनली ट्रूप्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीदा जा रहा है, और इंटेंस फायर फाइटिंग जैसे सिचुएशन में ट्रूप्स को वहां से निकालने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थोड़े बड़े व्हीकल होने के साथ साथ ये काफी महंगे व्हीकल है, जिस वजह से हो सकता है इंडियन आर्मी की तरफ से इनको बल्क में खरीदा नहीं जा रहा है, और इसके बारे में हम बहुत ही जल्द एक अलग ही वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।